जिंदगी में ऐसे कई पल आते हैं जब हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ऐसे समय में अपने आप को खुश रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वरना तो हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। हम अपनी जरूरतों को कैसे देखते हैं, समझते हैं, बात करते हैं, यह सब हमारे मूड, बिहेवियर और मेंटल स्टेटस के बारे में बताता है। खुश रहना कई समस्याओं का समाधान है। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो जनरली खुश रहते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होंगे जो भीतर से बहुत दुखी होते हैं और अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं या फिर शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोग बस अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और आखिर में उसका परिणाम यह होता है कि वो मानसिक तौर पर किसी बड़ी बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप खुश रहने की स्किल्स सीखें, कला को सीखें। किसी के साथ हैं या अकेले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका खुश रहना आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। तो कुछ ऐसे नियम हैं जिनको अपना कर, कुछ ऐसी बातें जिनको अपना कर आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। उसमें पहली है, अपनी तुलना किसी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने आप को अपने दोस्त, अपने साथी, अपनी फैमिली के अन्य कोई भी लोग होंगे उनके साथ कंपेयर करने लग जाते हैं और खुद को उनसे कमतर महसूस करने लगते हैं। यह आपको दुखी कर सकता है। हर इंसान अपने आप में बेहतर होता है, हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है। जरूर है अपनी खासियत को समझना और उस पर गर्व महसूस करना। किसी और से अपनी तुलना ना करें और तुलना करके अपने आप को इतना दुखी ना करें। नंबर दो, सोशल मीडिया के टाइम में करें कटौती। सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है, पर यह भी सच है कि ऐसे लोगों का भी जरिया है जो फेक है और अपना शो ऑफ अधिक करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए इसका प्रयोग थोड़ा सा कम करें, जिससे आप स्ट्रेस नहीं लेंगे और आप तनावग्रस्त होने से बचेंगे, खुद में अच्छा महसूस करेंगे। नंबर तीन, सीमित करें मोबाइल का प्रयोग। मोबाइल हम सबकी ज़रूरत है, लेकिन इसका प्रयोग एक लिमिट तक ही करना चाहिए, नहीं तो ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। हम एक मिनट भी अपने मोबाइल से दूर नहीं रहते हैं, आपको पता भी नहीं चल पाता है कि आप इसकी लत के शिकार हो गए हैं। मोबाइल से निकलने वाली नीली रोशनी, ब्लू लाइट, आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है। मोबाइल से जो रोशनी निकलती है वो आपकी पूरी साइकिल को डिस्टर्ब करती है। ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल और अन्य गैजेट्स का प्रयोग सिर्फ आपकी आँखों ही नहीं बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। और इस बात से तो आप भी इनकार नहीं करेंगे कि ये सारा दिन और रात के समय का एक बड़ा हिस्सा खा जाता है। अपने शौक को समय दें, सिर्फ नौकरी और घर के काम ही नहीं, उन चीज़ों के लिए भी समय निकालें जो इसके अलावा भी हैं, यानी कि अपने शौक के लिए, फिर चाहे वह गीत हो, गाना हो, नाचना हो, गार्डनिंग करना हो या फिर कोई भी आपका पसंदीदा खेल। अपने शौक को समय देना आपको भावनात्मक रूप से संतुष्टि देगा, आपको एक सेटिस्फाइड का एहसास करवाएगा और ये एक बेहतरीन स्ट्रेस बस्टर भी है। खुद को करें डेट। जी हाँ, ये आपके लिए एक अच्छा प्रयोग सिद्ध हो सकता है। अपने लिए कोई एक दिन चुने और उस दिन खुद को डेट करें। अपनी पसंद की ड्रेस पहने, अपनी पसंद का खाना खाएं और वह सब करें जो आपको अपने लिए करना पसंद है। सबसे ज़रूरी बात, इसके लिए किसी मुहूर्त का इंतज़ार मत करना। जब भी आप चाहें अपने दिन को अपने लिए सेलिब्रेट करना ज़रूर करना, अपने लिए समय निकालना ज़रूर करिए ये काम। इसके अलावा आप कर सकते हैं योग, ध्यान, प्राणायाम का अभ्यास करें, यह आपकी नियमित दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। योग जहाँ आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, वहीं ध्यान आपको मानसिक तनाव से राहत देता है। प्राणायाम एक श्वसन क्रिया है जो आपके शरीर के सभी अंगों तक उचित मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करती है। वहीं ध्यान आपको तनाव मुक्त कर किसी भी तरह के अवसाद या मानसिक विकार से बचाता है। नंबर सात, दूसरों की मदद करें। किसी के लिए कुछ करने या कुछ देने की भावना भी आपको भावनात्मक संतुष्टि देती है। ज़रूरी नहीं कि यह कोई बहुत बड़ा करने के बाद ही हासिल किया जाए, इस खुशी को आप अपनी दिनचर्या में भी जुटा सकती हैं। दूसरों की मदद करें, सबको माफ़ करना सीखें और गलतियों को सकारात्मक तरीके से सुधारना सीखें। ये छोटे छोटे नुस्खे आपको दिन के अंत तक
पूरी तरीके से खुश रहने का एहसास दिलाएंगे। एक दूसरे की कोसने के बजाय हालात को जिम्मेदार ठहराने वाले जोड़े रहते हैं ज़्यादा खुश। तो ये भी तरीके आप अपनाइए और ज़रूर खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं।